जय माता दी ओम साईं काल का। जैसे कि आप सबको पता लगा है कि हमारे नकोदर वाले लाडी साईं जी और जाहर पीर बाबा बागड़ वाले का मंदिर बनाया जाएगा, तो उसके लिए जमीन ली जा रही है। कृपया करके आप सभी सहयोग करें। आप सबके सामने स्क्रीन पे नीचे सारी डिटेल दी गई है। आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सबके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा। कृपया करके सभी आगे आए। जय माता दी ओम साईं। क्या नाम है बच्चे आपका? हमारा पेपर की एजेंसी आप वाले थे। अच्छा जी, नाम बताइए अपना। प्रमोद कुमार। आपके पिताजी का नाम? प्यारे लाल। आपके दादाजी का नाम? तो ज्वालापति। किया कराया है? किए बंदवा रखा है काम तुम्हारे घर के? जो भी तुम्हारा खाना कुछ पड़ा हुआ मिला था क्या वहाँ के? फैक्ट्री है क्या कोई? बता रही है कि जहाँ पे भी आपका काम है वहाँ की जब कुछ किया हुआ है तभी कुछ पड़ा हुआ मिला हुआ। मम्मी 40 साल हो गए परेशान से, काम बना बड़े चाहिए। तो मम्मी मेरी तबीयत सही है, तभी एक महीने पहले खून की गुटी मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, तो खून की गुटी लेकिन मैंने टेस्ट कराया उसमें कुछ नहीं। तो एकदम से हाजिरी करनी है बेटा जी और अरदास करा के जानी है। अरदास के बिना मेरी कोई गारंटी नहीं होती और बाकी जो मैं उपाय बता रही हूँ। आओ भैया, मम्मी आप सपने भी मुझे बच्चे दिखते छोटे छोटे अभी जो बता रहे पहले वो कर लेंगे। माँ मेरे घर में कले कले रहते हैं, सुख शांति बिल्कुल नहीं रहती। सुबह शाम जब मर्जी कले सो जाता है। कहाँ जाए? मैं ढाका से आया हूँ। ये परमानंद कहाँ जाए? मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से वहाँ पर सो आया था, तब तेल रख के चला गया था नीचे। मंदिर को नहीं? नाम बताओ। मेरा नाम गोविंद राम। आपके पापा का नाम? नरेंद्र। आपके दादा का नाम? वेद प्रकाश। किसी और भगत का याद चल रहा है घर में? नहीं माँ जी। माँ मेरे दादा थे वो भगत थे, उन्होंने मंदिर बना रखा है काली माता का मंदिर। दादा नहीं आए हैं, दादा आते तो मैं वो भी बताती। बच्चे 23 साल हो गए मंदिर बनाए। किसी और भगत का तुम्हारे यहाँ इलाज चला हुआ है? और ये भी बता दूं तुम्हारे घर में अपने ही लोगों के द्वारा सब बिगाड़ा हुआ है। गुरु कौन करवाए दादा के? माँ मेरे को नहीं पता, वो तो एक्सपायर हो गया। अब उनके बाद गद्दी कौन लगा रहा है? उनके बाद कोई नहीं, मैं ही सेवा करता हूँ मंदिर की। भी मंदिर बना रखा है, माता काली विराजमान है। बेटा तो शक्ति नहीं आई तेरे ऊपर? फिर कई बार मेरे को एहसास होता है माँ का, बच्चे लगाते हैं उनके घर में तो शक्तियाँ चलती हैं। काल का मंदिर जाता हूँ, कई बार मेरे को एहसास होता है, साधना भी करता हूँ माता की। वो बात ठीक है लेकिन मेरे बिना गुरु के उधर उधर मचेगी ही मचेगी। मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई पिछले साल। अब आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो। बिना गुरु के उधर उधर मचेगी मचेगी। दूसरी बात, आप साधना कर रहे हो बिना गुरुओं के। तीसरी बात, आपके घर में गलती लगती थी, भगत थे घर में। और चौथी बात, ये अभी भी कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। और बाबू जी एक चीजें इकट्ठी होगी तो उथल पुथल ही मचेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अभी तो माँ फिलहाल हम गए नहीं है वैसे। कोई तो गया है बाबू जी, इनके घर में संकट पड़ेंगे। पहले जो बत्ती होगी हाजिरी होगी और अरदास होगी। अरदास करा के जब बेटा चल आओ भाई। बाकी माँ सेवा इसी के सेवा कैसे करूँ माँ? बेटा जी सेवा के लिए आपको पूछना है तो फिर कभी भी अपने पहले गुरु बनाओ तब वो बता देंगे। गुरु बिना नहीं चल पाओगे बेटा, काली की तो बिल्कुल नहीं चलेगी गुरु बिना, सर्वनाश कर देती है। गुरु की भी अरदास लानी पड़ेगी, गुरु जी की भी अरदास लानी। वो आपकी इच्छा, बाबू जी अरदास करा के बनाओ और भी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल भी हमारी नहीं बनती, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब उस चीज में सात चूड़ी बांध जाए इसके नाम की। और एक महीना हो गया अभी तक बातचीत भी नहीं है हमारी। और मम्मी ये वही है, तो पहली बार आए थे, पहली बार भी पेंट का बोल गए थे, फिर करवा कर दिया ना। पहली बार आए मम्मी वही, तो मैं इनसे वो नहीं रहना चाहती, पेंट कौन करेगा। और पहली बार मैं आई, और मेरी सास भी आई थी ना अभी, फिर करवाया तो है ना इसे पेंट। मेरा वो बेटा है रचित है, उसका पैर
में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों रोज बताता रहता है। एक दिन मेरे पास गया ना, ठीक है मम्मी। और मम्मी एक चीज बात से, हां हां बेटा, कब जाएगी तू फोटोग्राफ ले जाएगा, कौन फोटोग्राफ ले जाएगा, जिंदगी में नहीं बोलूंगी तुझे वाला। ओ भाई आप कुछ मांगो, सारा घर में कोल्ड में चल रहा है, कोल्ड में चल रहा नाम बोल रहा पर मिला तेरे पति का नाम सुनील, तेरे ससुर का नाम घर में कपूर के लोगे थोड़े लेना शुरू करो और साथ में उड़ो तो ट्राई करो। और तुम्हारे घर से अंडे वंडे खाते हैं तुम्हारे घर में? हाँ, तो सात अंडे मामाई चौक चौराहे के नाम के रखे हैं, ठीक है। इस वाली पुलिस के सात टीके सिंदूर के लगा के उनके ऊपर और रखे हैं घर से घुमा। और मम्मी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये बता दो आप मम्मी कौन सी है, कौन सी, क्योंकि घर में बहुत कलेश हो जाए इस बात पे। भद्रकाली है और दिल्ली वाली है। और मेरे लड़के को अभी हमारे घर के कुल देवता आया है, काफी साल से मैंने तुम्हें बताया था, तो वो भी काम हो गया। और अब वो कहता है कि मम्मी से जिस दिन मम्मी आ गई तो मुझे बताना उनके वचन कटवाने, मगर तेरी हिम्मत नहीं है। हंसता रहता है कि मगर बताओ ना कौन सी, मगर नहीं बताऊंगी तुझे। अपना आशीर्वाद बनाए रखना बस। किशु बटे मम्मी, मैंने आपको से जब कहा था मगन की टांग में दर्द है तो उनके बीस में दस दर्द हुई थी बस। और जी गाड़ी में तो खड़ी एक नंबर ड्राइवर, पता नहीं क्या नाम बताना। डिंपल, तेरे पति का नाम सुरेश, तेरे ससुर का नाम काम धंधे के उपाय करे कितने दिन होंगे? कौन पानी में भोग जाएगा फिर हमारा जो बत्ती होगी हाजिरी होगी और चौक चौराहे के लड्डू आ जाएंगे। आप इनका बता दो बस, इन्हें खड़ा कर दो। आप कर दे जो मैंने बताया ना फिर होगा, उसके ऊपर से वार के देना है, वो चलते पड़ने बाकी 2010 साल कमाई की। तो मम्मी वैसे तो घर में कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कर दिया फलाना झगड़ा होगा पकड़ लो, ठीक है मम्मी। हम साइकिल बस मम्मी अपना आशीर्वाद ना रखो, हम साइकिल ये पूजा में रहता है तो होता है, और जब पूजा करने बैठे तो सर भारी हो जाता है। दुर्गे को मानती है हाँ। और मम्मी कैसे मेरे घर में ना संकट है तो क्या मम्मी आती नहीं है और वो संकट चीजें परेशान कर रही है। बोलो तेल आए माँ, पहले आई थी तो गिर पहले मैंने जब नवरात्र में आपने लगाई थी। नाम बोलो अपना, कहाँ से चल? आपके पापा का नाम तेज प्रताप, आपके दादा का नाम हनुमान सिंह। कितने का संकट है? मम्मी बताती है कि बहुत दिनों से पहले से संकट, जो हमारे घर में दादाजी जो छोटे वाले दादाजी थे ना उनके दो बेबिया और दो बच्चे थे वो इस पैर हो गए, तो वो चीजें ना मम्मी बताती है कि संकट की तरह काम। कोई संकट नहीं है। ओए उनके घर में दो बच्चे करवा देना, हाजिरी करवा देना। और मम्मी क्या कहते हैं कलेश भी होता है, चलो अरदास लगा जाना। अरदास लगाए बिना मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। अरदास आपकी इच्छा जितनी मर्जी लगाओ। मम्मी जैसे भी फिर तो माँ उसने माँ एक उपाय बता के गई थी, उपाय जनता से कुछ बता के गई थी कि अग्नि में ना रोज अग्नि देनी है, उससे लोग बता से देने हैं, तो वो चीज माँ सुन जोड़े और रोज अग्नि का जोड़ा दो। अच्छा जैसे